हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। तो दोस्तों, फाइनली जैसे कि टाइटल थोड़ा आपने देखा होगा, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फाइनली हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। तो ये देख सकते हैं हम, जैसे हमारी गाड़ी में जो आता है ना, वैसे तो ऑल्टो 800 में मेरा पुराना वाला वेरियंट है, तो इसमें सिंपल वैसे नॉर्मल वाले आते थे, नॉर्मल वाले जो एडजस्टेबल होते थे, पर उनका डिज़ाइन बहुत ओल्ड स्कूल टाइप में था। फिर हमने इसको अपग्रेड करा ऑल्टो K10 वालों में। अब हालांकि जो नई ऑल्टोज आती हैं उनमें यही वाले मिरर मिलते हैं आपको, बट मैंने आपको बता रखा है ये आफ्टर मार्केट मिरर हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक ही काम करते हैं, बस एक शो के लिए आप कह सकते हो अच्छे से वर्क करेंगे, बाकी इनकी जॉयस्टिक वगैरह अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसी के साथ मेरे को इनको अपग्रेड करना था, मैंने दोनों साइड के जो अपने शीशे हैं उनको डलवाया था, ये सारे इशू थे। तो उसके बाद मैं सोचा था फिर से अपग्रेड करूँ, एक बार कंपनी का डालूँ। तो आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने बोला कि भाई स्विफ्ट के मिरर डालो, स्विफ्ट के मिरर में आपको एक तो एडजस्टेबल वाला फीचर मिल जाएगा और उसमें इंडिकेटर भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा जब स्विफ्ट के डालने ही हैं मतलब, तो एक उससे भी अपग्रेड वाला लेवल डालते हैं जिसमें ऑटो फोल्डिंग भी हो जाए, शीशे अपने पूरे फोल्ड भी हो जाए। तो हाँ भाई, आज की वीडियो में हम जो अपने शीशे हैं ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंने कहाँ से ऑर्डर करें, कितने के ऑर्डर करें, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, सब बताने वाला हूँ। इतना तो है कि भाई थोड़ा कॉस्टली मॉडिफिकेशन तो है ये, पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर ये अच्छे से आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो जितने आपने पैसे पे कर रखे हैं उससे कहीं ज़्यादा वर्थी ये चीज़ लगेगी आपकी गाड़ी में। जब देखेंगे ना लोग एक बार साइड से, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम लुक आएगा, आपको खुद मज़ा आएगा। तो भाई सबसे पहले हम बता दें कि क्या क्या फीचर हमें उन मिरर्स में मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम उसमें क्या है ना, एक तो एडजस्टेबल करेंगे, जैसे यहाँ से आप एडजस्ट करते हो ना शीशे ऊपर नीचे करना, और साइड के दोनों साइड के शीशे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको आप ऑटो फोल्ड कर सकते हो, अपने जो शीशे अपने आप बंद हो जाएंगे। इंडिकेटर का तो बेसिक फीचर हो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम उसे सेंटर लॉक के साथ भी कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे आप गाड़ी ऑफ करेंगे ना तो वो शीशे अपने आप ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे आप गाड़ी ऑन करेंगे मतलब सेंटर लॉक को ऑन करेंगे मतलब गाड़ी खोलेंगे, तो वो शीशे जो है अपने आप खोल जाएंगे। तो बहुत बड़ा फीचर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आज तक किसी ने इंडिया में नहीं लगा रखा, बट मैं आपको अपने चैनल पर एक एक चीज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जिसको मैं क्लेम कर सकता हूँ यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आप आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ हमें पार्सल देखने को मिल जाता है, मैंने इसको मंगा रखा है और बहुत ही अच्छे से इन्हें पैक करके भेजा है, और मतलब मेरे घर में अप्रॉक्स ये 7 से 8 दिन के अंदर आ गया था। अभी इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे वायरिंग होने वाली है, एक मैं आपको आइडिया बता दूंगा। भाई देखो, इसकी मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा अनबॉक्सिंग करना, पार्ट की डिटेल बताना, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना, ये जो वीडियो है 20-25 मिनट से ऊपर की चले जाएगी और मतलब बोर हो जाओगे आप लोग। तो इसका पहले पार्ट में तो मैं आपको पूरे शीशे दिखाने वाला हूँ, पूरी वायरिंग किट समझाऊंगा, कैसे आप इसको फिट करेंगे, और आपकी गाड़ी में फिट होगा या नहीं होगा वो भी आप देख लेना। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें पूरा मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जिससे आप मतलब अपनी गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हो सेम मेथड के थ्रू। तो 2 वीडियोस में हम इसको पूरा अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले बहुत से भाइयों के दिमाग में इसकी प्राइसिंग आ रही होगी, तो मैं आपको इसकी स्टार्टिंग में प्राइसिंग बता दूं। देखो भाई, इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 8 से 9 हज़ार के बीच में जाती है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो ज़रूर है पर क्वालिटी अच्छी होती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले, और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसके ऊपर काफी सारे कार्डबोर्ड और पेपर ऐसे रैप कर रखा है ताकि इस प्रोडक्ट के जो भी सामान है ना अंदर वो टूटे ना। अच्छी शिपिंग है, देखो ऐसा होता है ना, ये चीजें बेसिक चीजें होती हैं और बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि हम भी जब अपना सामान शिप करते हैं ना, ये तो आजकल आया बबल रैप करना, और ये सब पहले के टाइम में सब ऐसे ही शिप होके आता था, और ये मतलब बहुत बचा लेते हैं प्रोडक्ट को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरिंग की, इसके साथ कैसी क्या क्या वायरिंग है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्विच वगैरह भी दिखा दूंगा कैसे स्विच। तो सबसे पहले वायरिंग को ही देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा हमें कुछ स्विच मिलता है, विटारा ब्रेजा का स्विच है, आपने देखा होगा विटारा ब्रेजा में आता है, इसमें सारे फीचर है वही। तो इधर करेंगे तो आप राइट साइड के मिरर को एडजस्ट कर पाएंगे ऊपर नीचे इसके थ्रू, और इससे ऑटो फोल्ड का फीचर मिल जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं ना, इससे ऑटो फोल्डिंग हो जाती है इसकी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्ले है, जॉयस्टिक कैसे खराब नहीं है, मतलब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है दिखने में। और बाकी अब और चीज़ देखते हैं, तो ये आपकी रिले होगी बीच में, इसके साथ इसकी वायरिंग भी रहती है, मैं आपको बता दूंगा इसकी वायरिंग कैसे करनी है आपको।
उसके बाद आपको यहाँ पे कपलर्स मिल जाते हैं इसके। तो कपलर में आप देख सकते हैं एक आपको एडिशनल वायर मिलती है, मेरे ख्याल से इंडिकेटर की वायर होगी, ठीक है। तो ये आपके ना शीशों में लग जाएंगे, तो ये सब काम अपने आप शीशे एडजस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ है इसमें। राइट साइड के शीशे के लिए आपको इसके इंडिकेटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा ये सब। क्योंकि क्वालिटी की बात करें तो रिले ने अच्छे से पैक करके दी है, कोई इसमें ऐसा आने वाला इशू नहीं। और रिले जो होती है ना गाइस बहुत लंबी चलती है, एकदम खराब नहीं होती। प्लस आपको इसके साथ फ्यूज भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो एक तरीके का सेफ्टी फीचर है, काफी हद तक आपकी रिले और वायरिंग सिस्टम गाड़ी को भी बचा लेगा। एडिशनल हम एक और इसमें फ्यूज इंस्टॉल करने वाले हैं, जो हमारे बैटरी से कनेक्शन होगा और इग्निशन से कनेक्शन होगा। तो भाई देखो, इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें हम जो है ना मैक्सिमम काम ऐसे करेंगे आपकी वायरिंग कट ना हो, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी वायर कट ना हो। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, मेरी गाड़ी जो है वारंटी के मतलब उसका टाइम हो चुका है पूरा, तो अगर मैं इसकी वायर कट करता हूं मुझे ऐसे कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसे बहुत सेफली करूंगा। अगर आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर है तो आप इसकी वायर कट करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना रहे, ज्यादा वायर ना कटे और बॉडी से टच ना हो कोई भी ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कोई इशू नहीं आता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, तो अभी इसे रखते हैं साइड में। अब अपने देखते हैं शीशों को, जो हमारे शीशे आए हैं ना वो कैसे हैं और उसकी फिटिंग वगैरह कैसी है, सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए दोस्तों, अब शीशे को निकाल के देखते हैं। तो ऐसे हमारे शीशे हैं, व्हाइट कलर के हैं। स्पेशली मैं चाह रहा था व्हाइट विनाइल करूं अपने पुराने वाले शीशों पे, पर देखो भाई अपने पास जो है ना मस्त वाली चीज आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको शीशा देखने को मिल जाएगा इसका। इसके यहाँ पे इंडिकेटर भी इनबिल्ट है, सब इसका QR कोड वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और काफी सही लग रहा है शीशा दिखने में, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं आपको पहले बता दूं भाई। क्वालिटी वाइज काफी अच्छा शीशा है, हिलने वाला तो नहीं लग रहा है बिल्कुल। फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑल्टरनेट की फिटिंग है इसमें, आराम से फिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नया शीशा पुराना शीशा, तो ये जो है गाइस पुराना वाला शीशा ही है। कंडीशन वाइज काफी अच्छा है, दिखने में सही लग रहा है, ठीक। और ये दूसरा शीशा है, तो दो शीशे आपको इसके साथ मिल जाते हैं, व्हाइट कलर का है और यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ शीशे मिलते हैं, कपलर वाले सिस्टम पूरा सा कपलर टू कपलर कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। और मतलब काफी अच्छे लग रहे हैं शीशे दिखने में। जैसे कि आप देख सकते हैं शीशे वगैरह हमने अनबॉक्स कर दिए, सब कर दिया। बस एक दिक्कत मुझे और लग रही है इसमें, बहुत बड़ी नहीं है, छोटा सा इशू है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जॉयस्टिक की स्पेस रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें जॉयस्टिक तो है नहीं, सब ऑटो फोल्ड वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं, या तो इसमें हम ट्विटर इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ट्विटर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हम इसमें ऐसा करेंगे, इसके जो सिंपल वाले आते हैं ना बिल्कुल ब्लैक ऐसे बिल्कुल जो बंद होते हैं ना, वो वाले ले लेंगे। तो उससे क्या है ना लुक काफ़ी अच्छा आएगा, खाली ऐसे छेद अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो उसको भी हम अभी खरीद लेंगे और उसके बाद से फिट कर देंगे गाड़ी में। बहुत वायरिंग यहाँ पे एक बार फिर से समझा दूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जो इसके साइड में आपको मिल जाते हैं ना, ये इंडिकेटर के हैं, मतलब सॉरी इंडिकेटर नहीं, ये पूरे मिरर के कपलर्स हैं। तो ये मिरर के सॉकेट से अटैच हो जाएंगे और इसी के साथ आपको नीचे पे यहाँ पे एक वायर मिल जाएगी जो पिंक वायर है, तो ये उसी साइड के इंडिकेटर की वायर है। तो या तो आप इसको अपने यहीं से अटैच कर सकते हो नीचे से, या फिर फ्रंट फेंडर के जो है ना उससे भी आप अटैच कर सकते हो। तो मैं फ्रंट फेंडर है ना गाइस उसके साथ इसकी वायरिंग करने वाला हूँ, क्योंकि वो जो इंडिकेटर है बाद में उसे हटा दूंगा। दूसरी वायरिंग हमारी बस्ती जो मेन वायरिंग है असल में वो कैसे होगी आपको बता देता हूँ। ये वाली वायर जो ये रेड वाली वायर है ये आपकी डायरेक्ट बैटरी से अटैच हो जाएगी। व्हाइट वाली या तो आप इग्निशन के साथ करना चाहो इग्निशन के साथ अटैच कर दो, या फिर आप अपने जो चार्जिंग ये होता है ना चार्जिंग सॉकेट इसके साथ अटैच करना चाहो इसके साथ भी अटैच कर सकते हो, आराम से अटैच हो जाएगी। उसके बाद ब्लैक वायर बचती है किसी भी मतलब ग्राउंड से आप कनेक्ट कर दो। उसके बाद एक वायरिंग और बचती है जो मेन वायर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ये सेंटर लॉक की वायर है, ठीक है। ये सेंटर लॉक के साथ अटैच होने वाली है। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो सेंटर लॉक की जो गन होती है उसमें आपको दो वायर्स मिल जाती हैं, रेड और व्हाइट, ठीक है। तो दो वायर्स हैं, उन दोनों वायर्स को आपको इसमें अटैच करना होता है। तो आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। काफी बार ऐसा होता है ना जब हम सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, कोई कोई लोग तो प्रोफेशनल होते हैं वो अच्छे से फिट कर देते हैं, कोई कोई लोग अनप्रोफेशनल होते हैं वो वायरिंग को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आपकी जो गन की वायरिंग है उसको चेक करना पड़ेगा कि खोलने पे खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, शीशे कहीं बंद तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा अपोजिट भी हो जाता है। तो वो आप अपने हिसाब से एक बार चेक करिएगा तभी लगाइएगा। ऐसा इसमें कुछ रहने वाला है। बाकी इसकी ज्यादा बहुत टफ वायरिंग नहीं है, बहुत बेसिक वायरिंग है, ठीक है। इतना सब कुछ है।
और इसके स्विच की बात करें, स्विच कहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हम लोग, तो स्विच जो है ना भाई हम यहीं पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे स्पेस रहती है, यहाँ पे स्विच को इंस्टॉल कर लेंगे, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा स्विच यहाँ। अगर आपको ये खरीदने होंगे तो आपको मैं ऐसा करूंगा, इंस्टाग्राम का अपना हैंडल दे रहा हूँ, वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बता दूंगा कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और प्राइसिंग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, 7 से 8 हज़ार के बीच में आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट स्टिल काफी सही चीज़ है, अभी देखने में तो सेटिस्फाई लग रही है, बाकी अभी जब इंस्टॉल कर लेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा। तो अगर किसी को लेना होगा आप ले सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पर आपको मैं सारी डिटेल्स की बता दूंगा जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैंने आपको ये सब दिखा दिया कैसे अनबॉक्स करना है क्या करना है, बहुत ही जल्दी इसका जो पार्ट 2 है ना अपलोड हो जाएगा, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा पूरे इंस्टॉलेशन के साथ कैसे सब होगा, सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मीडिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।